This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। भारत के आगे झुका चीन, माना इन वजहों से दुनिया में सबसे आगे निकलेगा इंडिया। भारत और चीन के टकराव के बाद आखिर चीन ने भी अब भारत की ताकतों को मानना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने कहा था कि भारत आने वाले सालों में चीन और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक तेजी से विकास करेगा। अब खुद ड्रैगन भी मान रहा है कि भारत में विकास की बहुत संभावना है और युवा जनसंख्या आर्थिक सुधारों के जरिए ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की आर्थिक सफलता को भारत दोहराएगा। इकोनॉमिक सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत 2018-19 में 7 से 7.5% की रफ्तार से तरक्की करेगा, जो कि इसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेजी से बढ़ने वाला बनाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत डेमोग्राफिक डिपेंडेंट है। हाल ही के दशक में चीन की सफलता के पीछे भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। देश के भविष्य के लिए ये शक्तिशाली आवेग है। भारत में विदेश बढ़ते निवेश की चर्चा करते हुए कहा कि विश्वसनीय डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से ही दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। उन्हें यहां के चीन की आर्थिक सफलता दोहराए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत की लंबे समय से आलोचना हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में भी भारत के लिए बहुत कुछ संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के शुरू होते ही अर्थव्यवस्था को और ताकत मिलेगी। बेरोजगारी, एजुकेशन और ट्रेनिंग को भारत के लिए चुनौती बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्याओं के लिए सुधार हम अहम होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2016 के अंत से नोटबंदी, GST और FDI को लेकर आक्रामक सुधार किए हैं। रिपोर्ट में सलाह के अंदाज में कहा गया है कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था क्षमता के मुताबिक आगे बढ़े और इसके समय से नीतियों को एडजस्ट किया जाए। चीन के अखबार के अंत में कहा गया है, आखिर अपने पड़ोसी के अच्छे आर्थिक हालात में देखना चीन के लिए बुरा नहीं है। थैंक यू।